पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। लातेहार एसपी प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम ने छापामारी कर जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के चार लोगों को धर दबोच लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का दस्ता जर्री रेलवे क्रॉसिंग बालूमाथ के पास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर गठित टीम ने जर्री पुल के पास पप्पू प्रसाद, नीरज जी, रणधीर यादव व अशोक यादव को हथियार के साथ दबोच लिया। एसपी प्रशांत आनंद ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 19 नवंबर की रात्रि बुकरू चेकनाका के पास ट्रक जलाने की घटना को इन लोगों द्वारा अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इनके पास से 7.65 mm का एक लोडेड पिस्टल, 7.65 mm का दो अदद जिंदा गोली, 315 बोर का दो देसी लोडेड कट्टा, 315 बोर की दो गोली, 8 मोबाइल फोन, एक स्मार्ट स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, टीवीएस कंपनी की एक अपाची मोटरसाइकिल, जेजेएमपी के दो प्रिंटेड पर्चा, एक बिटारा ब्रेजा JH01CS4992 बरामद किया गया। धारा 25(1)(BA)/26(27) आर्म्स एक्ट व 17 CLA एक्ट बालूमाथ थाना कांड संख्या 210/18 के तहत अग्रेतर कार्रवाई करते हुए इन्हें लातेहार मंडल कारा भेज दिया गया। दूसरी किसी घटना को कारित करने का प्रयास कर रहे थे। इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने वहां पर छापेमारी की, जिसमें चार लोग गिरफ्तार हुए हैं, पप्पू प्रसाद, नीरज, रणधीर और अशोक यादव। ये सभी लोग जेजेएमपी संगठन से जुड़े हुए हैं और जेजेपी संगठन के पप्पू लोहड़ा के कहने के अनुसार इन लोगों ने दिनांक 20/11/18 को जरी रेलवे क्रॉसिंग पुल के पास में घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। इन लोगों के द्वारा दो ट्रक बुकरू चेक नाका के पास जलाया गया था। तो इस इन चारों लोगों की गिरफ्तारी से इस घटना का उद्भेदन हो गया है। जो इसमें शामिल लोग थे, चार व्यक्ति गिरफ्तार हुए, कुछ अन्य व्यक्ति जो इस मामले में संलिप्त रहे उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन 6.5 mm का एक पिस्टल मिला है, इसके अलावा 3.15 बोर का दो देसी कट्टा मिला है, गोलियां मिली हैं। इसमें से कुछ लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। अभी हम लोग गहनता से और जांच कर रहे हैं कि और किन मामलों में ये लोग संलिप्त हो सकते हैं। इस पूरे गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।